नमस्कार, लाइव 24 देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ नंदनी गुरु। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक बवाल गरमाई हुई है और विपक्षियों की बैठक जारी है, तो वहीं अब बसपा प्रमुख मायावती ने अपनी पार्टी की बुधवार को अहम बैठक बुलाई। इस बैठक से पहले खुद उन्होंने जो ट्वीट किया है वो भी जानना जरूरी है। उन्होंने साफ कहा है कि प्रदेश और देश में तेजी से बदल रहे राजनीतिक हालात, खास घटनाक्रमों के साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर ये बैठक बुलाई गई है। सबकी निगाह अब इस बात पर है कि आखिर लोकसभा चुनाव से पहले बसपा कौन से नए राजनीतिक खेल खेलने की तैयारी कर रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और नीतीश की ओर से देश भर में विपक्ष एकता की कोशिशें लगातार जारी है। ऐसे में बात यूपी की आती है तो यहाँ दो विपक्षी दलों सपा और बसपा की बात तो जरूर होगी। निगाह इस बात पर भी है कि आखिर विपक्षी एकता में ये दोनों दल किधर जाएंगे। हालांकि मायावती पहले ही कह चुकी है कि वह किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, लेकिन राजनीति में समय और हालात कब बदल जाए किसी को नहीं पता। अब खुद मायावती बदले हालात की बात भी कर रही है। इसी बीच कुछ छोटे दलों की बसपा से नज़दीकी देखने को भी मिल रहा है। पिछड़े दलों में पकड़ रखने वाले महान दल ने बसपा को समर्थन देने का भी ऐलान किया। दल के मुखिया केशव देव मौर्य ने अखिलेश को छोटे दिल का नेता बताते हुए बसपा के समर्थन की बात कही है। उन्होंने बड़े ही अलग अंदाज के साथ कहा कि जहां लिखा है सपा को जिताना है तो वहीं सपा के आगे ब जोड़ना है। तो अब दूसरी तरफ ओवैसी की पार्टी AIMIM के सभी बसपा के संपर्क में होने की बात कही जा रही है। अब इन हालात को देखते हुए स्पष्ट है कि लोकसभा चुनाव से पहले बसपा खास इलाकों में मुसलमानों के बीच पकड़ रखने वाले छोटे दलों के साथ जुड़ने की तैयारी कर रही है। अब इससे वह अपनी ताकत को दिखाना चाहती है। अगर 2024 में विपक्षी एकता की बात होगी तो उसके बिना मुश्किल है। ऐसे में 23 जून से पहले बैठक बुलाना और राजनीतिक हालात को ध्यान में रखना और रणनीति बनाने की बात करना इसी ओर इशारा करता है। आपको बता दें कि विपक्षी एकता के लिए अब तक बुलाई गई बैठकों से बसपा का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। फिर भी आगे हालात बदल सकते हैं और मायावती तो उसमें खुद को मजबूत ही दिखाना चाहेगी। इशारा इसी ओर भी संकेत दे रहा है कि अगर उसके बिना कोई विपक्षी मोर्चा बनता है तो वह खेल बिगाड़ने में भी सक्षम है। फिलहाल अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या सच में मायावती अपनी पार्टी में ओवैसी के साथ गठबंधन करेगी। फिलहाल आज की खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए लाइव 24। धन्यवाद।